अब यार जस्ट इमेजिन करो कि तुम रात को आराम से 9 बजे का अलार्म लगाकर सो और 6 बजे ही तुम्हारी मम्मी आकर तुम्हें चप्पल मारकर उठा दे कि उठ जा बेटा, बहुत हो गया आराम, अब काम पे लग जा। बस ऐसा ही कुछ हम लोगों के साथ भी हुआ जब दिल्ली गवर्नमेंट को अचानक से सदमा पड़ा और उन्होंने सभी कॉलेज यार जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उनको खोल दिया ऑन इमीडिएट ग्राउंड। अब भाई हम तो ये हिसाब लगाकर बैठे थे कि कम से कम 1 हफ्ते 2 हफ्ते का नोटिस तो मिलेगा, मंडे को ही पता चलता है ट्यूजडे से कॉलेज जाना है। वाह, अब मैं भी कल कॉलेज गया फाइनली थर्सडे को करते करते हिम्मत लगा के, यार अब जाना तो है ही, तो मैंने सोचा क्यों ना यार तुम्हारे साथ अपना ये व्लॉग शेयर करा जाए, क्योंकि 2 साल में पहली बार कॉलेज जा रहे हैं। देख रहे हो 4 लाख रुपए फीस भर दी पर अब तक एक दिन कॉलेज की क्लास अटेंड नहीं करी थी ऑफलाइन में। चलो फिर शुरू करते हैं। हाँ तो यार पहाड़ों के ऊपर जंगलों के पार करते करते अपन DTU तो पहुंच ही गए, पर DTU में अंदर जाने से पहले आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज फॉर ऑल द DTU स्टूडेंट्स। भाई गीक्स फॉर गीक्स इज ऑर्गेनाइजिंग अ कोडर्स कॉम्बैट एक्सक्लूसिवली फॉर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई। दिस इज अ वन ऑफ अ काइंड कॉम्पिटिशन एंड द चैलेंज इज टू ब्रिंग आउट द कोडर इन यू एंड कम्पीट अमंग्स योर ओन कम्युनिटी। एंड दैट्स नॉट इट, होल्ड ऑन, टॉप 50 पार्टिसिपेंट्स को यार हेडफोन्स, आईपैड एयर, अमेजोन गिफ्ट वाउचर्स, गीक्स फॉर गीक वाउचर्स जीतने का मौका मिलेगा। सो इट इज टाइम टू प्रिपेयर, कोड एंड विन। यार द बेस्ट पार्ट इज इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ अस। Aren't you excited? I to surely am gonna participate in this competition. 13 फरवरी को ये competition होने वाला है रात 8 से 10 बजे। And for more information, you can check out the links in the description. और अगर तुम DTU से नहीं भी हो और सोच रहे हो कि यार हमारे पास ये मौका क्यों नहीं है, तो यू कैन कनेक्ट विद योर रिस्पेक्टिव कैंपस मंत्रीज और ड्रॉप अ मेल हियर फॉर द सेम। तो गो रजिस्टर एंड पार्टिसिपेट। तो यार बात ऐसी है कि कॉलेज पहुंचे समय तो काफी हो गया है और आज अपना पहला दिन है कॉलेज का, क्लास का, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस का। 2 साल के अंदर 2 साल अपन घर पे पड़े हुए थे और अभी तक एक भी क्लास नहीं हुई। इवन क्लासरूम ढूंढने में इतना टाइम लग रहा है, क्लास के बच्चों को नहीं पहचान पा रहा मैं, ये देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब अपनी पहली क्लास 8 बजे से थी, पहले ही दिन मिस हो गई क्योंकि लेट हो गया मैं थोड़ा सा। फिर मैंने सोचा यार क्या ही जाऊँ अब उसमें, तो मैं इधर उधर टहल लिया थोड़ा सा। अभी लैब होनी थी ऑफलाइन बट वो भी मेरे ग्रुप की ऑनलाइन हो गई है क्योंकि काफ़ी सारे हॉस्टल में बच्चे पहुँचे नहीं हैं जो आउटसाइड दिल्ली वाले हैं। तो यार लेट्स होप कि कोई क्लास अपनी ऑफलाइन हो जाए ताकि मैं तुम्हें दिखाऊं यार क्या सीन है यहाँ पे क्लासेस का। अभी एक टेस्ट भी है 12 बजे से 1 बजे तक, वो ऑनलाइन है आई गेस, या फिर ऑफलाइन होता है तो देखते हैं। एनीवेज आई विल कीप यू अपडेटेड, कीप वॉचिंग। यार इसके बाद मैं पहुंचा लाइब्रेरी में DTU की। तुम में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि पढ़ाई कर रहा होगा, हाँ थोड़ी सी पढ़ाई करी मैंने, बट यार उससे पहले एक ऑनलाइन क्लास अटेंड करी। ऑफलाइन कॉलेज में आकर भी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे थे क्योंकि हॉस्टल वाले बच्चे अभी ज्यादा पहुंचे नहीं थे। अब यार मुझे लाइब्रेरी से कुछ किताबें भी लेनी थी बट मैं इतना बेवकूफ हूँ, मैं जब घर से निकल गया और ऑटो में बैठ गया तब मुझे याद आया कि मैंने आई कार्ड लेना तो भूल ही गया है। तो फिर क्या, बस लाइब्रेरी में जाके थोड़ा सा पढ़ने का दिखावा कर लिया। भाई ऑफलाइन कॉलेज में हम आ गए, ये DTU की लाइब्रेरी है, ठीक है, बट स्टिल कॉलेज में होने के बाद भी ऑनलाइन क्लास चल रही है। सी ऑफलाइन में ऑनलाइन भाई अभी
एक ऑनलाइन क्लास अपन ने अटेंड करी लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। ऑफलाइन कॉलेज आके भी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टा सीन चल रहा है। एंड अभी फिर मैं लाइब्रेरी में बैठ गया था, थोड़ी सी कोडिंग करी मैंने, कोडिंग पे काम स्टार्ट कर दिया है, विच वॉज वेरी वेरी नेसेसरी। अब 12 बजे हमारी पहली क्लास है ऑफलाइन, तो उसके लिए जा रहा हूँ। लेट्स सी क्या सीन रहता है। हेडिंग टू माई नेक्स्ट क्लास, अभी तक क्लास ही नहीं मिली है। कॉलेज ना आने का ये ही नतीजा होता है, जब 2 साल में पहली बार तुम ऑफलाइन क्लास के लिए आते हो ना, सेकेंड ईयर में होते हुए भी तुम्हें ये नहीं पता क्लासेस का है। टाइम क्या हो गया बताइयो? टाइम 12:40 होने वाले हैं, हो गए शायद 12:42, 12 से 1 की क्लास थी। अब क्लास में क्या मैडम के पैर सुन जा रहे हैं हम। ऑनलाइन क्लास इस वक्त चल रही है, क्लास हम अटेंड कर नहीं रहे और क्लास में मैम से मिल रहे ढोंग। क्लास हो गए, क्लास नहीं मिली अभी तक, और हम कॉलेज आए हैं पढ़ने, क्या बात है। इसके बाद मैं ना जा रहा किसी भी क्लास में, मैं जाऊंगा जिम। 4 बजे खुलेगी, 1 से 2 टेस्ट है। ये देखो ऑफलाइन कॉलेज में आ गया, हम ऑनलाइन टेस्ट देने वाले हैं। जो ये दिलवाएगा भाई आकाश, रोल नंबर 1। अब यार हमें कॉलेज की क्लासेस का कोई अता पता नहीं था। 12 बजे से 1 बजे की क्लास के लिए हम 12:50 पर क्लास के बाहर पहुंचे हैं, और उसमें भी अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही। पढ़ रहे हैं। क्लास चल रही है क्या भैया? हमारी क्लास थी, अभी तक हमें क्लास ही नहीं मिली, अब जाके मिली है। मैम हमें बाहर से क्लास के अंदर झांकते हुए देख लेती हैं और अंदर बुला लेती हैं। पहले तो लगा यार काफी डांट पड़ने वाली है, बट मैम तो काफी स्वीट निकली। पहली बार आके तो बैठ जाए क्लास में, ऐसी क्लास है, क्लास तो अच्छी है। डाटा नहीं बट अटेंडेंस देने से भी साफ मना कर दिया। ऑल द भाई हम पूरा 1 घंटा कॉलेज का चक्कर मारते रह गए ये ढूंढते हुए कि क्लास कहाँ हो रही है, पर उससे मैम को क्या फर्क पड़ता है। बारह बजे की क्लास के लिए 1 बजे पहुंचा और अटेंडेंस भी नहीं मिली। अब ऑफलाइन कॉलेज में ऑनलाइन टेस्ट। तो अब इस क्लास के बाद था अपना एक घंटे का ऑनलाइन टेस्ट, और उस टेस्ट के लिए यार हम OAT के बाहर घास पर जाकर सारे झुंड बना के बैठ गए। लेकिन टेस्ट हमने सबने खुद करा है, ठीक है, सच बोल रहा हूँ मैं, मतलब हाँ खुद से कराया हमने। अब सुबह से लेकर दोपहर हो गई थी और मैंने खाने के नाम पर सिर्फ 1 गिलास दूध पी रखा था सुबह से। अब जैसे ही मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा अपना लंच वंच कर लेता हूँ जो मैं लेकर गया था घर से, मेरे पास एक काफी प्यारा सा दोस्त आया। तुम भी देखो, अब अपने इस प्यारे से दोस्त से मिलने के बाद और ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद हम चले यार 2 से 4 वाली क्लास के लिए। कैसा लग रहा है भाई ऑफलाइन क्लास में आगे? बूम बूम भाई, पहली बार क्लास पे टाइम में पहुंचा हूँ और ऐसी गंदी जगह पे तो क्लास बना रखी है। अगर इन लोगों के साथ ना आता तो मैं तो ढूंढता ही रह जाता दूसरी क्लास में। लेकिन इस बार 2 घंटे थे ढूंढने के लिए, 2 घंटे 1 घंटे। लेकिन मैं तो निकल रहा हूँ घर। आपने मास्क नहीं पहना सर? मास्क पहनिए पहले सर। आप तो सर देख, इसको देख के मास्क नहीं पहना। मैं तो अकेले बैठा था, ये लोग आके बैठ गए साइड में। बात ऐसी है, तुम इन्हें देख के कह सकते हो हमारा टीचर है। पर क्लास में घुसते ही यार टीचर से काफी गंदी वाइब आने लगी कि ये तो ले लेगा। तो मैंने और मेरे दोस्त ने डिसाइड करा है यार हम तो जा रहे हैं आज के लिए, मंडे से अपना 14 तारीख से कंटिन्यू करेंगे, पूरी क्लासेस लेना, सारी अटेंडेंस लेंगे, सारे टेस्ट देंगे, सबके लिए पढ़ के आएंगे, सारे असाइनमेंट टाइम से सबमिट करेंगे। अब मैं कॉलेज से निकल ही रहा था कि मुझे काफी दूर से काफी जाना पहचाना चेहरा आता हुआ दिखा। देखो और पहचानो क्या तुम इन्हें जानते हो, और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। प्रकट हो गए अचानक से, क्लास है मेरी बहुत लेट क्लास। अब यार ऑफलाइन कॉलेज में मजा तो काफी आता है, दोस्तों से मिलना, इधर उधर घूमना, टहलना, खाना पीना, गप्पे मारना, पर मैं ऑनलाइन कॉलेज को पर्सनली मिस बहुत ज्यादा करूंगा, क्योंकि ऑफलाइन कॉलेज इतना थकाने वाला हो जाता है ना कि आप में कुछ और करने की ताकत ही नहीं बचती है। तो यार यही था मेरा फर्स्ट डे ऑफ ऑफलाइन क्लास एट DTU। 2 साल के अंदर पहली बार ऑफलाइन क्लास अटेंड करने का मौका मिला। ऑल दो ढंग से कोई भी क्लास में अटेंड कर नहीं पाया, बट अभी जल्दी से मंडे से स्टार्ट करेंगे।
एंड यार अगर तुम DTU के एक स्टूडेंट हो और तुम्हें कोडिंग अगर थोड़ी सी भी आती है ना तो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट कोडर्स कॉम्बैट बाय गीक्स फॉर गीक्स, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर जरूर रजिस्टर करना यार, इट्स गोइंग टू बी अनदर एक्सपीरियंस, एक नया एक्सपीरियंस होगा भाई एंड तुम्हें काफी मजा आएगा एंड यू विल लव टू पार्टिसिपेट। तो चलो बाय बाय।